आया वतन कशायदा भारत के भाग जागे, पूरी हुई तमन्ना भारत के भाग जागे, गुजरात तुझको भाया भारत में फिर तू आया, धन धन तुझे कन्हैया भारत के भाग जागे, हम नींद में थे गाफिल तूने हमें जगाया, और रास्ता दिखाया भारत के भाग जागे, होकर रहेंगी पूरी हम सब की आरजुएं, गांधी हुआ है पैदा भारत के भाग जागे। बचपन से ही मोहनदास को अपने ऊपर बहुत विश्वास था, उनके अंदर जिद बहुत थी और एक अजब सा एतमाद था, और अगर एक बार इरादा कर लेते तो किसी को भी खातिर में ना लाते थे। एक दिन मोहनदास ने शोशा छोड़ा कि वो इंग्लिस्तान जाएंगे और वहां से बड़े बैरिस्टर बनकर वापस आएंगे। घर में ये बात सुनकर एक सन्नाटा सा छा गया, लेकिन बेटा जिद्दी था, ये बात थी सबको पता। वहीं पास में एक जैन साधु भी रहता था, उनकी माता ने कहा साधु से कि वो मोहन को समझाएं, कुछ नसीहत भी करें और करें कोई उपाय। साधु ने कहा, ये बालक उड़ता पंछी है, इसकी परवाज ना रोको, जो भी ये करना चाहता है इसे करने दो। माता ने कहा मजबूर होकर, इससे लीजिए ये कसम कि ये गोश्त कभी नहीं खाएगा और ना ही कभी किसी अंग्रेज मेम को मुंह लगाएगा। तो इस तरह मोहनदास सन 1888 में इंग्लिस्तान वारिद हुए। वहाँ 3 साल तक वो रहे और खूब फले फूले। कानून की तालीम पूरी करके ये नौजवान बैरिस्टर वतन वापस आया और बैरिस्टरी के काम में साल भर के अंदर काफी नाम कमाया। तभी मोहनदास को दादा अब्दुल्ला जैसे बड़े बिजनेसमैन का साउथ अफ्रीका से एक लंबा चौड़ा खत आया। लिखा था, मोहनदास तुम अफ्रीका आ जाओ, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। मोहनदास ने सोचा ना था कि वो साउथ अफ्रीका ऐसे जाएंगे कि अगले 20 साल तक बस वहीं के हो जाएंगे। जुल्म ज़्यादती और ना इंसाफी का हर तरफ दौर दौरा था, वहशी गोरों ने इंसानियत को कहीं का ना छोड़ा था। मोहनदास को वहाँ जुल्म सितम का सामना करना पड़ा, पर मुकाबले के लिए सत्याग्रह का रास्ता मोहनदास ने चुना। सो नतीजा ये हुआ कि अपने गांधी धीरे धीरे महात्मा वहीं बनने लगे, और धीरे धीरे हजारों लोग उनके पीछे आ गए, और फिर साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की जिंदगी संवार के सन 1914 में मोहनदास करमचंद गांधी वतन वापस आ गए। हिंद वापस आके बापू ने पूरे मुल्क का दौरा किया, अमन का ये पयाम्बर संदेशा अपना लेकर घर घर गया। यही वो दौर था जब पहली आलमी जंग के शोले दुनिया भर में लगे थे फैलने। यही वो जमाना था जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से लड़ाना चाहते थे, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी आजमाना और फैलाना चाहते थे। तो किस्सा कुछ यूं है जनाब कि भारत आकर महात्मा गांधी ने साबरमती में अपना एक आश्रम खोला और चंपारण से लेकर अहमदाबाद तक हर जुल्म के खिलाफ हल्ला बोला। मुल्क ने उनकी दावत को लब्बैक कहा और हर शख्स उनके पीछे आ गया। महात्मा गांधी की शोहरत मुल्क के बाहर भी थी लगी फैलने, और सारी दुनिया पुरमीद होकर उनको लगी थी देखने। बापू देश के कोने कोने में गए और भारत के लोगों को गांव-गांव जाकर ललकारा और पुकारा और जोर देकर कहा कि ऐ भारत जाग, ऐ हिंदुस्तान संभल, तोड़ दे गम की जंजीरें और बस भाग निकल। शायद आपको ये बात ना पता हो कि अपने बापू थोड़े मजाकिया किस्म के शख्स भी थे। एक बार की बात है कि अपने महात्मा गांधी इंग्लैंड के सफर पर थे, तो उनको वहां के बादशाह से भी मिलने जाना था। तो राजा और रंक की और इस होने वाली मुलाकात पर वहां की पब्लिक में बड़ा हंगामा था। इंग्लैंड के बादशाह का लिबास बड़ा आलिशान हुआ करता था, लेकिन उस कड़ाके की सर्दी में बस एक धोती और कंबल बापू का मुकम्मल परिधान हुआ करता था। लोग बादशाह के पास जब जाते थे तो सच संवर कर दरबार में अपनी छाप दिखलाते थे। तो एक अखबार के रिपोर्टर बापू के पास घबराए हुए आए और सवाल के तौर पर एक दूर की कोड़ी लाए, पूछने लगे, शाही मुलाकात के दिन मिस्टर गांधी आपने कौन से कपड़े पहने होंगे? बापू ने कहा, हम यही।
अपनी पुरानी धोती पहने होंगे। रिपोर्टर साहब ये जवाब सुनकर बौला गए और सोचते सोचते काफी चकरा गए। कहने लगे, ये कपड़े जरूरत से कम नहीं लगते आपको? बापू ने कहा, नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि भैया जी, आपके बादशाह ने हम दोनों की जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने होंगे। मुल्के अमेरिका में थे एक फादर, नाम था जिनका जे एच ह्यूम्स। तो एक दिन चर्च में फादर ने सवाल ये पूछा हाजरीन से कि जमाना हाल का सबसे बड़ा इंसान तुम ये बताओ किसको कहें? तो जुस्तजू आज ये हो रही है, कौन सबसे बड़ा आदमी है, कौन है ऐसा इंसान आला जो कि इंसानियत से हो बाला, जो सच्चा फिदाए वतन हो, कौम की जिसके दिल में लगन हो, कौम के नाम पर मरने वाला, कौम के काम करने वाला, अज़्म का और इरादे का पक्का, बात का और वादे का पक्का, जो कदम को ना पीछे हटाए, जो कहे वो करके दिखाए, ऐसा इंसान यही बिल यकी है, जिस कसानी जहां में नहीं है, कौम की जिसने हिम्मत है बांधी, उसके दम से वतन शाद होगा, एक दिन हिंद आजाद होगा।